नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है, यह हमारे माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य, क्यों आपको इसमें शामिल होना चाहिए और अभी तक इसमें हमारा क्या क्या कार्य हुआ है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल से शुरुआत की थी और आज हम एक ट्रस्ट के माध्यम से पूरी तरह उपस्थित हो चुके हैं, भारतीय और विश्व स्तर पर भी। तो माता पराशक्ति कौन है, आप लोग मेरे अभी तक के सारे वीडियो के माध्यम से जानते ही हैं, लेकिन माता पराशक्ति की सेवा के लिए, उनको समझने के लिए, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, इसको जानने के लिए हमारा ट्रस्ट से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। कारण यह है कि हम दिन भर अपनी गतिविधियों में अपने 24 घंटे निकाल देते हैं और स्वयं के शरीर के लिए ही जीते हैं। अगर आप स्वयं के लिए जीवन जिएंगे, आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि पशु भी ऐसा ही करता है। फिर आप मरने के बाद उच्च श्रेणी, उच्च लोकों की ओर कैसे जा पाएंगे। हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं भी हैं और धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जीवन में हमेशा विरोधाभास बना रहता है। यह सब समस्याओं को हटाने के लिए ही माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट बनाया गया और इस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे अच्छे काम शुरू किए गए हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, पिछली बार मैंने आप लोगों से ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए कहा था और काफी लोग इससे जुड़े और बहुत सारे लोग हमसे ट्रस्ट के सदस्य के रूप में जुड़ गए। उन सभी का हमारे धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट परिवार में स्वागत, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वह लोग भी अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का कार्य सीमित नहीं रहने वाला है। जन जन तक धीरे धीरे हमें इसे पहुंचाना है और यह तभी संभव है जब सभी लोग आप एक साथ इकट्ठा होकर अपने अपने स्तर से काम कीजिए। आपको पता ही है कि हमारा जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व ऐसा है कि हम स्वयं में कुछ भी नहीं है, हमें हर एक चीज दूसरे से ही मिलती है और संसार की रचना भी माता ने इसी प्रकार से की है कि हर दूसरी चीज के लिए, यानी हर बात के लिए दूसरे पर आश्रित रहना पड़े, ताकि व्यक्ति के अंदर कभी भी अहम का भाव, घमंड या स्व यानी अपने लिए जीवन जीने का भाव पैदा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वह महामाया भी है और व्यक्ति उनकी माया में इतना ज्यादा भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है कि संसार जो है वह दूसरे के लिए ही बना है, स्वयं के लिए तो है ही नहीं। खुद सोचिए, आपको शरीर आपके माता पिता देते हैं, आपको भोजन किसी किसान के घर में उगाए गए धन से, अन्न से आता है, आपको धन किसी दूसरे व्यक्ति के किए गए कार्य, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, प्राप्त होता है। आपकी संतान भी आप किसी दूसरी स्त्री से जब विवाह करते हैं तब उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह सारा जीवन आपका स्वयं के लिए कभी था ही नहीं। इस बात को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई उन्हें यह बात बताता भी नहीं। जीवन का यही वास्तविक सत्य है। लेकिन माया का प्रबल वशीकरण देखिए कि व्यक्ति अपने लिए जीवन जीता है और अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों को कुछ ना समझते हुए दुख, दर्द, कष्ट देने में भी किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करता। क्या ऐसे धरती पर स्वर्ग कभी आ सकता है? बिल्कुल नहीं। जीवन दूसरे के लिए ही बना हुआ है, यहाँ तक कि आपका खुद का शरीर भी आपका नहीं है। खुद ही आप देखते हैं कि आपको जब छोटे बच्चे थे तब आपकी इच्छाएं अलग तरह की थी। ईश्वर ने थोड़ा आपको बड़ा किया, किशोरावस्था में आए तो आपकी इच्छाएं बदल गई और आपका शरीर भी बदल गया, आप खुद भी बदल गए। फिर आप जवान हो गए, जवानी में भी इच्छाएं और आवश्यकताएं बदल गईं। फिर आप परिवार वाले हो गए, तब भी आपके साथ ऐसा ही हुआ। अपने परिवार के लिए व्यक्ति सदैव जीता है, क्योंकि वो उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। लेकिन क्या यह सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी दुनिया, आप सबके सब उससे जुड़े हुए नहीं? क्या आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं है? क्या आपका यह पूरी दुनिया आपका संसार नहीं है? क्या आपका परिवार नहीं है? बिल्कुल है, और इन्हीं की सेवा करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले यह बातें समझने के लिए भी आपका धर्म को समझना आवश्यक होता है, और धर्म, सच्चा धर्म क्या है? जो दूसरों का कल्याण सिखाए, आप में और प्रत्येक दूसरे जीव में कोई अंतर करना ना सिखाए, क्योंकि माता स्वयं प्रकृति है। यह माता प्रकृति ही है, हर एक को माँ के रूप में आप देखते ही है कि माँ ही सब कुछ करने वाली है। माँ का मूल अर्थ क्या होता है? एक ऐसा तत्व जो
आपके बिना मांगे आपको सब कुछ देता हो और बदले में आपसे कुछ भी नहीं सिर्फ प्रेम चाहता, यही माँ होती है, जो कि आपकी खुद की शरीर की जो माँ होती उससे हम शुरुआत मानते हैं। लेकिन देखिए, ये धरती माँ है जो आपको भोजन पानी उपलब्ध करवाती है। आकाश में विचरती हुई वायु माँ के रूप में है, जब तक वह सांस के रूप में आपके अंदर चलती है तब तक आप जीवित रहते हैं। आकाश से बरसने वाला नीर माँ है, जो आपको आपके पेट भर पानी प्रदान करता है, उस पानी को पीकर आप जीवित रहते हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक तत्व माँ का ही अंश है, क्योंकि हर तत्व आपको कुछ न कुछ देता ही है, इसीलिए प्रकृति को माता कहा जाता है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अधीश्वरी है उन्हें ही हम माता पराशक्ति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि हर प्रकार से वो देने वाली ही है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ अपनी माता से प्रेम करता हूँ, जैसे कि कई अन्य धर्मों में भी आप देखते हैं कि वहाँ माता का तो बहुत महत्व माना गया है, लेकिन क्या दूसरे की माँ हमारी माँ नहीं है, या यह प्रकृति हमारी माँ नहीं है? गाय को भी हम माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, उससे कुछ प्राप्त करते हैं। धरती को माँ हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस धरती से ही हमें भोजन और सारे तत्व प्राप्त होते हैं, यानी सब कुछ देने वाली माँ ही है। तो अगर आपको अपनी माँ इतनी बड़ी नजर आती है कि उनके पैरों में स्वर्ग है, जन्नत है, तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली और संपूर्ण ब्रह्मांड को सब कुछ देने वाली माँ आपके लिए किस स्तर पर पूजनीय हो जाती हैं, आप स्वयं सोच, यानी कि सब कुछ वही देने वाली माता है। इसीलिए माँ पराशक्ति की वंदना सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है। कहा भी जाता है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यह गाना भी इसीलिए बना क्योंकि माँ सर्वोच्च है, सर्वोच्च थी और सर्वोच्च रहेंगी। कहते हैं ईश्वर से भी बड़ा कोई अगर है तो वह माँ ही है, क्योंकि ईश्वर तो आपके कार्यों के लिए आपको दंड देता है, लेकिन माँ दंड भी नहीं देती। माता केवल ऐसी परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करती है कि आप अपने आप को तैयार करें। धरती पर लोग कितने बड़े बड़े बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत दंड नहीं मिलता, क्योंकि माता किसी को भी संभलने का पूरा मौका देती है, उनकी गलतियों के लिए भी उन्हें क्षमा करती है। लेकिन प्रकृति कैसे खेल खेलती है आपको यह पता भी नहीं चलता। जब पूरी प्रकृति में हमने पर्यावरण का प्रदूषण किया, चारों तरफ धरती का वातावरण गर्म होने लगा, तब मनुष्यों से ही कोरोना जैसे वायरस का निर्माण करवा के हर एक गाड़ी को बंद कर दिया, उन्हें पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई। कहते हैं हमारे जो धरती है उसके ऊपर एक ग्रीन गैस आवरण है, जिससे सूर्य का प्रकाश हम पे छन कर आता है, पृथ्वी को जलाता नहीं है। उसमें छेद हो गया था, लेकिन वह छेद अपने आप भर गया। पूरी पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण ठीक हो गया। गर्म हो रही पृथ्वी कुछ वर्ष तक के लिए फिर से ठंडी हो गई। इतना सब कुछ एक वायरस ने कर दिया। धरती की जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ गई थी उससे भी कम कर दिया। तो आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन प्रकृति अपने आप एडजस्ट करती है, व्यवस्थित करती है। इसीलिए माता पराशक्ति की महिमा उनके बारे में जानना भी संभव नहीं हो पाता। कहा भी जाता है यस्य स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानति, अर्थात जिसके स्वरूप को ब्रह्मा और आदि देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाते हैं। उन माता पराशक्ति को जानना और उनकी सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब यह सेवा दो तरह से होती है। एक तो हम आध्यात्मिक रूप से जब सेवा करते हैं तो मंत्र जाप, पूजा पाठ, साधना इत्यादि के माध्यम से ऐसा करते हैं, और दूसरी जगह हम भौतिक रूप में जो वह उपलब्ध है उसके आधार पर सेवा करते हैं, जैसे कि प्राणियों की सेवा, मनुष्य मात्र की सेवा, प्रकृति की सेवा, पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब की सेवा। और इन सब की जो सेवा करने का माध्यम है वह ट्रस्ट जैसा माध्यम अगर हो तो कितना सुलभ बात और अच्छी बात हो जाती, जिसमें हम चाहे वह पर्यावरण को बचाएं, चाहे लोगों की मदद करें, चाहे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, सारे कार्य सम्मिलित है, यानी कि सारे सेवा कार्य सम्मिलित है। यह क्या है? यह माता की ही सेवा है और माता की प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवा है, इसीलिए ट्रस्ट का निर्माण। अब आप लोग अपने स्तर पर शुरुआत के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ तो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें तो कर सकता है, जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य है धर्म के प्रति सजग करना लोगों को। अगर व्यक्ति धर्म का महत्व तो समझने लग जाए तो उसके जीवन से लगभग आधी परेशानियां नष्ट हो जाती है। कारण क्योंकि हम जब स्वार्थी बन जाते हैं तो हम दूसरे का नुकसान करने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते, और आपके जैसा ही व्यवहार दूसरा व्यक्ति देखता है तो वो भी वही करता है। उदाहरण के लिए मैं एक प्रक्रिया समझाता हूँ, बड़ी ही सरल सी बात। एक
दूध बेचने वाला व्यक्ति अपने ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूध में कुछ मिलावट करता है और ज्यादा पानी मिलाकर साथ ही कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में दूध बना देता है। इससे उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा धन प्राप्त हो जाएगा। अब यह दूध जब व्यक्ति कोई पीता है तो वह बीमार हो जाता है। बीमार होकर के वह डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर भी जिसके यहाँ दूधिया दूध देता था उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, तो वह सोचता है कि मैं भी ज्यादा पैसे कमाऊं। इसलिए वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसे निकालने के चक्कर में उसका इलाज भी सही प्रकार से नहीं करता है, इलाज को लंबा खींचता है। यह व्यक्ति जो कि बीमारी की वजह से परेशान है, किसी कंपनी का मालिक है, अब वह भी अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा शुद्धता रखने के बजाय प्रोडक्टिविटी यानी ज्यादा उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देता है। यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है, मान लिया वह आटे का ही निर्माण कर रहा है फैक्ट्री में और उसकी लेबलिंग करता है। उसने कहा कि आप कैसा भी आटे का प्रयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसे पीस दीजिए मैदे की तरह। अब यह मैदा उस डॉक्टर के घर में पहुंच रहा है, उस दूध वाले के घर में भी पहुंच रहा है, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, उनके साथ भी परेशानी है। और सब यह सारी प्रक्रिया कैसे हो रही है, कारण क्या है, सब अपने अपने स्वार्थों में। अगर वह दूध वाला ऐसा ना करता तो वह व्यक्ति बीमार ना पड़ता और उसका पैसा डॉक्टरों के पास बर्बाद नहीं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट सही प्रकार से बना और डॉक्टर भी अधिक पैसे कमाने के चक्कर में यह नहीं करता, तो सब एक दूसरे की देखा देखी में अधिक धन कमाने, एक दूसरे को जो है प्रभावित करने के चक्कर में एक बड़े विष को जन्म दे देते हैं और यह विष हर प्रकार से हर क्षेत्र में व्याप्त होता चला जाता है और समाज गंदा हो जाता है। इसलिए स्वयं से शुरुआत कीजिए कि आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे गलत करेगा, आपको देखकर ही तो दूसरा सीखता है और इससे समाज बढ़िया बनता है। इसीलिए पहले धर्म को जानना आवश्यक। तो ट्रस्ट के माध्यम से जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो बेसिक स्तर है, आप सभी अपने अपने मोहल्ले अपने अपने गांव के अध्यक्ष हैं, जो लोग भी मेंबरशिप लिए हुए हैं और मासिक रूप से कुछ ना कुछ धनराशि ट्रस्ट के अकाउंट में डालते रहते हैं और इसे डालना भी चाहिए, क्योंकि आप ही के धन से हम सारे कार्यों को कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा कि आप अपने यहाँ छोटे स्तर पर लोगों को बुलाइए, उनके साथ रोजाना बैठकर धर्म पर बातचीत कीजिए, उन्हें समझाइए जीवन के रहस्य को। आप मेरा वीडियो भी दिखा सकते हैं धर्म रहस्य पर, बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला के वीडियो हैं, उनको दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को अधिक से अधिक रहस्य के विषय में बताइए, क्योंकि जब तक व्यक्ति को यह नहीं पता चलेगा कि हमारी दुनिया के अतिरिक्त भी दूसरी दुनिया है, वह इसी दुनिया को सत्य समझता है, तो फिर वह केवल एक ही चीज से डरता है, वो है पुलिस और सरकार। और अगर उसे कहीं ऐसा लगे कि पुलिस और सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो वह अपराधी बन जाता है और गलत काम करता है। लेकिन इन सबसे भी अच्छा नियंत्रण इस बात का होता है कि आप कोई कार्य करें और आपको पता हो कि आपको स्वयं भगवान देख रहा है, आपकी अंतरात्मा देख रही है, तो वह व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं करता। और जब वह गलत कार्य नहीं करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई पाप इकट्ठा नहीं होता है। और यह सारी चीजें हम धर्म को जब तक नहीं समझेंगे, और इस धर्म को समझने के लिए ही यह यूट्यूब का चैनल बनाया गया, दूसरी दुनियाओं के रहस्यों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रकाशित करना शुरू किया गया और विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा उन दुनियाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। यह सारी प्रक्रिया जो है वह YouTube चैनल के माध्यम से मैं रोज करता हूं, आप लोग जानते ही। और यह मेरा अनुभव नहीं, सभी लोगों का अनुभव है कि जो लोग भी साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अनुभव होते हैं और अनुभव के माध्यम से वह जान पाते हैं कि इस दुनिया के अतिरिक्त भी दूसरी दुनियाएं मौजूद हैं। इसलिए जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे और वैसे ही उच्च या नीच लोकों में जाकर के आपको निवास करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी धरती पर मनुष्य के रूप में तो आपको केवल 60, 70, 80, 90, 100 जितना आप जी पाए अधिकतम उम्र आप जी सकते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले हजारों लाखों वर्ष का समय और मृत्यु के बाद भी हजारों लाखों वर्षों का समय होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसी प्रक्रिया और जैसी स्थिति में आप पहुंच गए वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करना, स्वर्ग में निवास करना आवश्यक है और इसके लिए आप पूजा पाठ साधना गुरु मंत्र साधना इत्यादि करें, धर्म को समझें, अच्छे कार्य करें, ट्रस्ट के माध्यम से भी लोगों का प्रचार और प्रसार करें, लोगों को अच्छी बातें सिखाएं और अपनी इस शक्ति को बढ़ाएं। एक और बात मैंने कहा है
कि अब आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि ट्रस्ट का उद्देश्य है, लेकिन इसमें अभी तक हमारी प्रगति क्या है, इस पर भी हम लोग आज बात कर। तो मैं आपको बता दूं, लगभग हर शनिवार के दिन मैं जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेता हूं और गूगल मीट के माध्यम से वहां पर हमारे सारे जिला अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं। 22 से 25 जिला अध्यक्ष लगभग हमारे बन चुके हैं और उन सबको उनका कार्य योजना, कैसे कार्य करना है इत्यादि सिखाया जा रहा है। अगर आप भी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अपने जो जिला है उसमें कार्य करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही तरह से आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ पाएं, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ पाएं और देश अपना विकास और समाज का विकास कर पाएं, माता पराशक्ति का प्रचार और प्रसार कर पाएं, तो आप जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका वैसे ही पुरानी नियमावली है जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मात्र 1 वर्ग फुट जमीन के बराबर दान देकर आप इसमें जुड़ सकते हैं, यानी कि केवल 5,100 रुपए देकर के आप ट्रस्ट के अपने जिले के जिला अध्यक्ष बन सकते हैं और मेरे साथ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जहां पर मैं प्रत्यक्ष रूप से सभी को सिखाता रहता हूं और हमारी कार्यकारिणी और हमारे ट्रस्ट के सभी जिला अध्यक्ष मिलकर के इस कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे कामों से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग पुस्तिका बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दान पर्चियां, विभिन्न प्रकार के अन्य छोटे मोटे कार्य हम लोग जोड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में लोगों को कहीं पर पानी पिलाने की व्यवस्था करनी है या फिर कहीं भंडारा करवाना है, कहीं माता की कोई कथा करवानी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी जो आप अपने स्तर पर करवा सकते हैं। और मेरा भी सहयोग, हमारी कार्यकारिणी का सहयोग, हमारे जिला अध्यक्षों का सहयोग, सब करेंगे। और यह कार्य बहुत विस्तृत होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी तो हमारी शुरुआत छोटे स्तर से हुई है और धीरे धीरे समय बीतेगा तो फिर सरकार की तरफ से भी हमको धनराशि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, तो सभी जिला अध्यक्ष भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप भी अपने स्तर पर, अपने मोहल्ले, गांव, क्योंकि आप वहां के अध्यक्ष मान लिए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मेंबरशिप ज्वाइन करता है 500 रुपए देकर के मेंबरशिप ले लेता है और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार हर महीने 1 रुपए से लेकर जितना भी वो बड़ी धनराशि दे सकता है हर महीने अवश्य देकर सदस्यता रखता है, वह अपने गांव का या फिर अपने मोहल्ले का अध्यक्ष है और वहां भी हमारे माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट का प्रचार और प्रसार कर सकता है। दूसरी बात, अगर आपके जिले का जिला अध्यक्ष नहीं बना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके जिले का जिला अध्यक्ष बन गया है तो आप उससे संपर्क अवश्य कीजिए, क्योंकि आप उससे अगर संपर्क करेंगे तो वह आपकी हर प्रकार से मदद करेगा। और इस ट्रस्ट में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहते हुए एक दूसरे की पूर्ण सहायता करते हैं, इसीलिए आपके जिले का जिला अध्यक्ष आपके एक फोन करने मात्र से आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएगा, वह आपकी हर प्रकार से मदद करे, जैसी आप चाहते हैं वैसी आपको मदद मिलेगी आपके हर प्रकार के कार्यों में। आपको कोई पत्र लिखवाना है, आपको कोई सरकारी काम में समस्या आ रही है, आपको पुलिस के किसी कार्य में समस्या आ रही है, आपका कोई विवाद इत्यादि है, उसमें भी आप उनसे सहयोग ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आप भयभीत हो रहे हैं, किसी कोई आपको डरा रहा है या कुछ भी ऐसी बातें हैं, उसके लिए आप अपने जिलाध्यक्ष को फोन कीजिए, वह आपकी सहायता के लिए उपस्थित। और जो लोग भी जिलाध्यक्ष बनते हैं उनका भी यही कर्तव्य है कि वह तक्षण अपने उस व्यक्ति की सहायता के लिए, क्योंकि अब वह व्यक्ति आपका परिवार का हिस्सा है। जैसे कि आप अपने भाई को कहीं भी संकट में देखें तो वहां तक तुरंत पहुंचते हैं, क्योंकि वह आपका सगा भाई होता है, इसी प्रकार ट्रस्ट में भी है। तो ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए हमेशा हर महीने आप अपनी इच्छा अनुसार, वैसे तो धनराशि का 1% से लेकर 5% तक प्रत्येक व्यक्ति को ट्रस्ट में जमा करना चाहिए दान के रूप में, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आपकी अलग अलग सामर्थ्य होंगी और आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी होंगी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसी आपकी सामर्थ्य है, ट्रस्ट का अकाउंट आपको पता ही है, उसी ट्रस्ट के अकाउंट में आपको दान राशि जमा करनी चाहिए ताकि हम लोग मजबूत होते जाएं, क्योंकि कोई भी आयोजन करना है, कोई भी प्रोग्राम करना है, उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। अभी के लिए हम लोग छोटी छोटी पुस्तिकाओं का भी निर्माण कर रहे हैं, पंपलेट वगैरह का भी निर्माण किया जा रहा है। जो लोग जिला अध्यक्ष बनते हैं उनको लेटर पैड देने से लेकर के उनकी मोहर बनाने, उनकी चीजें इत्यादि व्यवस्थित करने के भी कार्य किए जाएंगे। सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं और
आप सभी का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को सिखाना है कि वास्तविक धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब कोई पंथ नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सारे पंथ हैं, धर्म तो सिर्फ एक ही है। और आपका जो कर्तव्य है उसी को हम लोग धर्म मानते हैं, और वह कर्तव्य समाज का कल्याण, लोगों का कल्याण, अपनी माता का कल्याण यानी कि प्रकृति का कल्याण करना होना चाहिए। और इसी के उद्देश्य से हमने माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट बनाया था, जो कि हमारे ही यूट्यूब चैनल से निकल कर बना है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और लगभग इसके जितने भी सारे दस्तावेज हैं वह भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के माध्यम से आपने जाना कि आप कैसे, अगर आप ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए देकर के आप इस ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जिले, मोहल्ले या गाँव के अध्यक्ष भी मान लिए जाएंगे, अपने स्तर पर आप आयोजन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जिले के अध्यक्ष से संपर्क कर लें और जिले के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से संपर्क अवश्य कर लीजिए। अगर अभी तक आपके जिले का अध्यक्ष नहीं बना है तो आप भाग्यशाली हैं, आप चाहे तो अपने जिले के अध्यक्ष बन सकते हैं मात्र 1 वर्ग फुट जमीन देकर, यानी मात्र 5100 रुपए धनराशि देकर के। और इसी प्रकार आप समाज में अपना वर्चस्व, अपनी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके फायदे आपको भविष्य में बहुत सारे मिलने वाले हैं, जो कि मैं मीटिंग वगैरह में बताता रहता हूं कि कैसे बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दो बातें हैं, ट्रस्ट से जुड़ने के लिए आप मात्र 500 रुपए में ट्रस्ट की सदस्यता ले सकते हैं, और महीने में आप कितनी भी धनराशि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं ट्रस्ट के विकास के लिए। अकाउंट आपका ट्रस्ट का ही रहने वाला, उसी पे ही जमा करना, इसके अलावा कहीं भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी लोग जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं वह 5100 रुपए मात्र दे करके जिलाध्यक्ष बन सकते हैं और अपने जिले में सारी कार्य योजनाएं चला सकते हैं। जो जो कार्य योजनाएं आपको बताई जाएंगी आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे काम आते हैं। ट्रस्ट में लगभग सभी प्रकार के कार्य आते हैं, चाहे वह पर्यावरण से जुड़े हुए हों, मानव सेवा से जुड़े हुए हों, जानवरों की सेवा से जुड़े हुए हों, धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए हों, वो सारे कार्य आते हैं। और आप भी उसको करेंगे, सिखाया जाएगा हमारी तरफ से, हमारी कार्यकारिणी की तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अवश्य जुड़ें, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अपने आय को पवित्र करें, अपने धन को पवित्र करें, इस कार्य को कर। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।